जब से एक खबर आई है कि महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के मिस्टर प्रोफेशनिस्ट आमिर खान थग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक साथ नजर आएंगे, तभी से इस फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है। फिल्म में आमिर और अमिताभ बच्चन के लुक को लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान के आमिर खान ने अपने नाक और कान में छेद कराया है, वहीं अमिताभ बच्चन के एक अलग अवतार में दिख रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिल्म को और भव्य बनाने के लिए यशराज फिल्म्स ने एकदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर दिया है जिसे इससे पहले कभी किसी और बॉलीवुड फिल्म में नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि यशराज फिल्म्स की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है ये, जिसमें एक्शन की भरमार होने वाली है। साथ ही साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय फिल्म के लिए दो विशाल जहाज का निर्माण किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, इस मेगा एडवेंचर फिल्म में 2,00,000 किलोग्राम वजन वाले दो बड़े जहाज़ों का निर्माण किया गया। इन दो जहाज़ों को बनाने के लिए 1 साल से अधिक का समय लगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर और जहाज बनाने वाले कारीगर सहित 1,000 से अधिक लोगों की मदद के साथ पूरा किया गया। इतनी मेहनत और लगन के बाद बड़ी स्क्रीन पर इन जहाज़ों को एक्शन सीक्वेंस में देखना दर्शकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होगा। बता दें कि टग्स ऑफ हिंदुस्तान में समुद्र और जहाज फिल्म का एक अभिन्न हिस्सा है, और यशराज प्रोडक्शन और आमिर खान दोनों को यकीन था कि इस फिल्म के जरिए दर्शकों के सामने हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म का प्रदर्शन करेंगे। टग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमिताभ और आमिर के अलावा कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी हैं। इस फिल्म को दिवाली के अवसर पर रिलीज करने की प्लानिंग बताई जा रही है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलेगी सबसे पहले।